कदर दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपके अपने चैनल रेखा की दुनिया में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी मूंग दाल के पकौड़े बनाने की रेसिपी। बरसात का मौसम हो और मूंग दाल के पकौड़े ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगता है। तो चलिए मेरे साथ आज हम और आप मिलकर बनाते हैं मूंग दाल के पकौड़े। तो पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है 1 कप मूंग की दाल। दाल को मैंने 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। जब दाल अच्छे से फूल गया तो उसे अच्छे से धोकर इस तरह से छानकर रख लिया है। तो आप देख सकते हैं दाल यहाँ पे अच्छे से फूल गया है। अभी फूले हुए दाल को हमें डाल देना है मिक्सर ग्राइंडर जार में। अभी मैं इसमें डालूंगी 1 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, 4 से 5 कली लहसुन का। अभी जरूरत के हिसाब से इसे पानी डालकर दरदरा पीस लेना है। तो अभी ढक्कन को यहाँ पे कर दीजिए बंद और इसे दरदरा यहाँ पे पीस लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से। तो आप देख सकते हैं दाल यहाँ पे मैंने पीस लिया है और इसे बहुत ज्यादा बारीक मैंने नहीं किया है, बिल्कुल इसे दरदरा रखा है और कुछ दाने तो खड़े ही है। तो चलिए फटाफट से अभी इसे निकाल लीजिए एक बर्तन में। अभी इसमें डाल दीजिए 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक काटकर, 2 से 3 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज्यादा या कम कर सकते हैं, बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, या फिर सिर्फ बच्चों के लिए बनाते हैं तो मिर्च का यूज यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 4 से 5 दाना कुटी हुई काली मिर्च। अभी इसमें डाल दीजिए 1/2 छोटा चम्मच से भी कम यहाँ पे मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे डाल दीजिए हल्दी का पाउडर। अभी 1 छोटा चम्मच यहाँ पे भर के डाल दीजिए अजवाइन। अजवाइन को कभी भी हाथ से क्रश करके डालना है। अभी साथ में डाल दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे हींग, नमक यहाँ पे डाल दीजिए स्वाद के अनुसार। अभी इन सभी चीजों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और साथ में गैस के ऊपर तेल भी गर्म होने के लिए रख दीजिए। तो देखिए सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से एकदम से मिक्स हो गया है। तो अभी चलिए फटाफट से अभी मूंग दाल के पकौड़ों को हमें यहाँ पे तल लेना है। तो तेल भी यहाँ पे गर्म हो गया है। पकौड़े का साइज आप अपने हिसाब से यहाँ पे छोटा, बड़ा या मीडियम रख सकते हैं। तो बस इस तरह से पकौड़े एक बार में जितने तेल में आते हैं उतना यहाँ पे डाल दीजिए। अभी पकौड़े डालते के साथ तुरंत से इसे टच नहीं करना है, कुछ सेकंड के बाद ही हम इसे टच करेंगे। और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे उलटते पलटते इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मूंग दाल का पकौड़ा यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गया है। बस इस स्टेज पे इसे बाहर निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से बाकी बचे हुए मूंग दाल के पकौड़ों को भी फ्राई करके निकाल लीजिए। तो एलो जी, हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिस्पी और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी मूंग दाल के पकौड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आप अपने मनपसंद चटनी सॉस के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। आप इसे शाम के चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बस इस तरह से मूंग दाल के पकौड़े बनाइए और कैसा बना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आज की मेरी रेसिपी जरा सा भी आपको अच्छा लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।